मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि जो अभी 5 स्टेटों में चुनाव हुए हैं हमारे पिछले दिनों में, और इस समय जो समय चल रहा है वो कोविड की महामारी का चल रहा है। पूरा देश इस समय कोरोना से ग्रसित है, लेकिन सत्ताधीशों के लिए सत्ता जरूरी थी, कोरोना से लड़ाई जरूरी नहीं थी। अपनी सत्ता के कुर्सी के मद में चूर और सत्ता के लालच के लिए पूरे देश की जिंदगियों को दांव पे लगा दिया है। आप लोग देख रहे होंगे इस समय की गंगा नदी है, बाकी नदियां हैं तो लाशें तैर रही हैं, जिस तरीके से घास तैरती है उस तरीके से लाशें तैर रही हैं। और जो दुष्परिणाम कोरोना के आ रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए कोई भी लोग उसकी जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो मलाई खाने के लिए बैठे हैं। उन्हें जनता के मरने जीने से कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए जनता एक वोट देने वाला जानवर है और गाय एक चुनावी राजनीतिक एनिमल है। उसी तरीके से वोटर भी एक एनिमल है, वोट देता उसके उनका काम खत्म हो जाता है। और वहां संसद में बैठे हुए गुंडे मवाली इस देश पे शासन कर रहे हैं और देश दुर्दशा की ओर ढकेला जा रहा है। उसी में एक इम्पॉर्टेंट था असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स। 5 स्टेटों में असेंबली का इलेक्शन, तो इसमें जो मेन इलेक्शन था, जो इलेक्शन का फोकस किया गया था बेसिकली पश्चिम बंगाल के चुनाव पे किया गया था, और खूब सारी रैलियां की गई थी, बहुत सारे की गई थी, और उस समय पूरा देश जो है दांव पे लगा दिया गया था। तो आज 5 स्टेट के असेंबली इलेक्शन हुए हैं, इन पर कुछ चुनावी एनालिसिस करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो हमारा 5 स्टेट्स में इलेक्शन जो हुए हैं उनमें हम देख सकते हैं मैप में, और वे वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आसाम और पांडिचेरी। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि 4 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और आसाम, ये स्वतंत्र राज्य हैं, जबकि पांडिचेरी जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मुख्य जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल, केरला, आसाम, पांडिचेरी, तमिलनाडु। हम देख सकते हैं यहाँ पर हर स्टेट की अपनी अलग अलग पहचान है। वेस्ट बंगाल अगर है तो विक्टोरिया पैलेस के लिए जाना जाए तो वो सबसे फेमस बिल्डिंग है। आसाम जो है चाय के बागानों के लिए जाता है, और तमिलनाडु में मंदिर के लिए जानता है, केरला पाम्स के लिए जाना जाता है, और पांडिचेरी में देखा जाए तो एक नेचुरल ब्यूटी है, बीच के लिए भी जाना जाता है। तो सबसे बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल जो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य था, जिसके लिए केंद्र की सत्ता ने पूरी सरकार को वहां चुनाव में लगा दिया था, दांव पे लगा दिया था पूरी तरीके से, यानी कि देखा जाए तो 1 महीने के लिए केंद्र की सरकार ही गायब हो गई थी दिल्ली छोड़कर, जिस समय उनको कोरोना से जनता के साथ होना चाहिए कोरोना की लड़ाई में। उस समय जो के भारत सरकार थी वो अपने इलेक्शन में जुट गई, उसने पूरे देश से मुंह माया भंग करके, उससे कोई मतलब नहीं ना दिल्ली से, अपना पूरा मंत्रिमंडल सहित पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस में डट गई। और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जो है वो 8 फेज में, कितने 8 फेज में कंडक्ट किया गया। उसमें पहला फेज 27 मार्च को था, दूसरा फेज 1 अप्रैल को, तीसरा फेज 6 अप्रैल को, और चौथा फेज 10 अप्रैल को, पांचवा फेज 17 अप्रैल को, छठा फेज 22 अप्रैल को, 7 मार्च 26 को, और 8वां फेज जो था 2 अप्रैल को संपन्न कराया गया, और 2 को काउंटिंग हुई। तो इस तरीके से देखा जाए कि पूरे जो वेस्ट बंगाल है उसमें जो इलेक्शन हुआ वो 8 फेजों में हुआ। उसका मुख्य कारण क्या था कि ममता की घेराबंदी, और वहाँ का जो एरिया है वो डाइवर्सिफाइड है, बंगाल का एरिया कुछ हिल्स का है, कुछ प्लेन्स का है, कुछ रिवर्स के बीच का है, और एक अलग तरीके की वहाँ ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, लोकेलिटी भी अलग है। और किस तरीके से देखा जाए जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो भी पार्शियल हो गया, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है आजकल जब से ईवीएम आया है।
तो वो सत्ता पक्ष के साथ कहीं ना कहीं बेईमानी में शामिल होता है। इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्शन हुए थे वो एट फेज में हुए थे, और उस फेज का क्या होगा कि वहां बहुत सारी रैलियां, लगभग 20 रैलियां प्रधानमंत्री जी ने भी आयोजन किया, और रैलियों में बहुत सारी भीड़ थी। यही भीड़ बाद में कोरोना बम की तरह फैल गई। उससे बाद उसके बीच उसी इलेक्शन के दौरान कुंभ का भी आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, और उस कुंभ के आयोजन से स्प्रेडर जो थे बहुत देश के अलग अलग कोने में फैल गए, जहाँ जिसके कारण आज कोरोना महामारी जो है गांव में भी चली गई है। और आप देख सकते हैं कि शहरों में हॉस्पिटल्स होते हैं, लेकिन गांव में ना मेडिसिन होती है, ना हॉस्पिटल्स होते हैं, ना डॉक्टर्स होते हैं। तो ग्रामीण एरिया में जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके सामने मौत नंगा तांडव कर रही है, लोग बड़ी मात्रा में मर रहे हैं, और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अंतिम संस्कार कर सके। इसलिए पैसे के अभाव में लाशों को गंगा नदी में बहा रहे हैं, जो हिमालय से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। जो आजकल आप मीडिया में देख रहे होंगे कि ढेर सारी लाशें जो है गंगा में तैर रही हैं, गंगा का लाल अब देखने नहीं आ रहा, गंगा में क्या हो रहा है। उससे जो दूसरा अगर देखा जाए, तमिलनाडु और केरला में जो इलेक्शन हुआ था वो सिंगल फेज हुआ था, 6 अप्रैल को हुआ था। 6 अप्रैल को ही तमिलनाडु में हुआ था, 6 अप्रैल को ही हुआ था। और फिर देखा जाए आसाम में जो इलेक्शन हुआ 3 फेज में हुआ था, 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को हो गया था। ये बहुत ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास बसा हुआ, बहुत ही ग्रीनरी, बहुत ही डाइवर्सिफाइड, और देखा जाए ये बेस्ट ईस्टर्न घाट का हॉट स्पॉट है, बहुत ही हरियाली भरा राज्य है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी इस स्टेट्स में, जो मुद्दा था वो सिविल सिटीजनशिप को लेके भी काफ़ी चल रहा था, और बहुत सारी चीज़ थी। यहाँ पर घुसपैठिए भी बहुत सारे हैं जो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर बोर्डोलैंस की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ पर नागाओं की समस्याएं हैं। तो यहाँ पर जो आसाम में इलेक्शंस हुए थे वो 3 फेज में हुए थे, 27 अप्रैल, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को हुए थे। अब अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, तो जो 27 मार्च को अप्रैल हुआ 47 सीटों के लिए हुआ था, 1 अप्रैल हुआ था 39 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ था, 6 अप्रैल को 40 सीटों का इलेक्शन हुआ था, और कुल आसाम में 126 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन संपन्न हुआ था। तो अगर हम देखें कि 5 राज्यों में कुल कितनी कितनी सीट्स हैं, पश्चिम बंगाल में 294 हैं, तमिलनाडु में 234 हैं, केरला में 140 हैं, आसाम में 126 और पांडुचेरी में केवल 30 सीट, यहाँ पर 116 लगे हैं, 16 सीट्स मिली है एनडीए को यहाँ पर। तो यहाँ कौन कौन मुख्यमंत्री बना, पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री का ताज मिला ममता बनर्जी को मिला, तीसरी बार बनी है, और इन्होंने 392 में से 213 सीट्स जीती हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को पहली बार मुख्यमंत्री बने आसाम में, इससे पहले सोनोवाल थे, और इन्होंने 126 में से 75 सीट्स पर विजय हासिल की है। केरला में एलडीएफ ने फिर सत्ता की वापसी की है, और पिनराई विजयन यहाँ पर सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री बन रहे हैं और 94 सीट्स पर दी है। और यहाँ केरला में एक बहुत बड़ी बात है कि जो मेट्रो मैन जिनके नाम से जाना जाता था, वो मेट्रो मैन वहाँ से अपनी सीट्स हार गए, वहाँ इलेक्शन हार गए। तमिलनाडु में डीएमके को जीत मिली है, और उसमें स्टालिन करुणानिधि के बेटे हैं, इनको वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में जो सीट्स पे इलेक्शन हुए थे उनमें देखा जाए कुलनतीजा जो है उसमें 213 सीट्स जो मिली है वो टीएमसी को मिली है, बीजेपी को 78 मिली है, लेफ्ट को 1 मिली और अन्य को भी 1 मिली है। इस बंगाल में देखा जाए प्रधानमंत्री जी अमित शाह और बाकी जो उनका मंत्रिमंडल था पूरी ताकत झोंक रखी थी बंगाल जीतने के लिए, लेकिन वो बंगाल जीत नहीं पाए। तमिलनाडु विधानसभा के रिजल्ट में देखें कि तमिलनाडु विधानसभा में यूपीए को 143 सीटें मिली, वहाँ पर एनडीए को 90 सीटें मिली, अन्य को 2 सीटें मिली हैं। तो यूपीए में तमिलनाडु डीएमके ने सीटें वहाँ पर जीती और कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पर सत्ता हासिल की है स्टालिन। केरला विधानसभा सीट्स में देखें तो एलडीएफ को 90 सीट्स मिली है, यूडीएफ को 40 सीट्स मिली है और अन्य को 10 सीट। वहाँ पर आसाम चुनाव में देखा जाए तो 78 सीट्स एनडीए गठबंधन को मिली है, इसमें बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियां हैं, और 46 सीट्स
कांग्रेस के गठबंधन को मिली है और एक अन्य में गई है सीट्स। अब अगर पांडुचेरी की बात करें तो मैं 16 सीट एनडीओ को मिली है और यूपीए को यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं और अन्य पर लोग विजयी हुए हैं। तो देखा जाए जो इसमें सबसे बड़ा नाम था पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम, तो नंदीग्राम पे पूरा फोकस था मीडिया का और बहुत हाईलाइट किया गया था क्योंकि यहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी और उनके प्रतिद्वंदी टीएमसी के बागी प्रत्याशी थे सुबोध अधिकारी, वो आजकल बीजेपी में शामिल हो गए और वहाँ से इलेक्शन लड़े थे, वो जीत गए इलेक्शन और ममता बनर्जी वहाँ से इलेक्शन हार गई। तो हार और जीत के बीच में बहुत सारा नाटकीय प्रोग्राम चला था कि कभी ममता बनर्जी को पहले जीत घोषित की गई तो बाद में उनको हारा हुआ घोषित कर दिया गया, फिर बाद में आरोप लगा कि इसमें जो है चुनाव आयोग ने इसमें बेईमानी की है, पार्शियलिटी की है, बहुत सारे विवादित हुए थे। सबसे ज़्यादा इसलिए थी कि यहाँ पर नंदीग्राम मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ रही थी जो हार गई और नंदीग्राम से ही इन्होंने टाटा के खिलाफ मूवमेंट की शुरुआत की थी, इसलिए नंदीग्राम को भी। अब जो इलेक्शन हुए थे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर धनदर थे जो मेन चेहरे थे जो इलेक्शन लड़ा रहे थे, उसमें हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, स्टालिन और विजयन थे और ये लोग हमारे बाद में मुख्यमंत्री बने, इलेक्टोरल खत्म हो गया। इस तरीके से चुनाव संपन्न हो गए और केवल बीजेपी को दो राज्यों में ही सत्ता मिली, वो था आसाम और पांडुचेरी, बाकी में पुरानी सत्ताएं लौटी। तो देखा जाए जो इलेक्शन था इसमें बहुत सारा पैसा खत्म होता है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो हमारे सत्ताधीश हैं, लीडर्स हैं, इनको पब्लिक की चिंता नहीं रहती। इन्होंने अपनी सत्ता के लालच में हासिल करने के लिए पूरे देश को कोरोना की आग में झोंक दिया, जिसका रिजल्ट आजकल आ रहा है। सभी स्टेट्स बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस लॉकडाउन में बहुत सारी पब्लिक परेशान होती है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वाले लोग हैं वो भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। तो बहुत सारे लोग कोरोना से मरेंगे, बाकी लोग जो हैं बहुत सारे लोग भूख से मर जाएंगे, जिनमें सरकार घोषणाएं तो करती है लेकिन ज़मीन पर कोई काम दिखाई